प्रश्न पांच, आकृति में DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है, दर्शाइए EF समांतर QR है। देखो दिया गया हमें कि DE समांतर OQ है, DE ये है, ये रेखा DE समांतर OQ है, तो हम इस पूरे त्रिभुज को ले सकते हैं PQO को, इस त्रिभुज को ले सकते हैं इस तरह से। हम देखो इस त्रिभुज को लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों रेखाएं हमारे पास समांतर पहले दी हुई हैं, त्रिभुज PQO में ED समांतर QO है, यह हमें दिया हुआ है, इसलिए BPT से PE बटे में, देखो PE बटे में EQ बराबर PD बटे में TO आ जाएगा, PE बटे में EQ बराबर PD बटे में DO, ये आ गया BPT से, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो दूसरा हमें क्या दिया है, DF समांतर OR है, DF इधर है और OR ये है, तो इस वाले त्रिभुज लेंगे PQOR में, अब हम POR में लेंगे, त्रिभुज POR में DF समांतर OR है, ये हमें दिया हुआ है, इसलिए PF, देखो ये हिस्सा PF बटे में FR बराबर PD बटे में DO, क्योंकि ये दोनों समानुपातिक होंगे, तो PF बटे में FR बराबर PD बटे में DO, ये समीकरण 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों में देखो PD बटे में DO यहाँ भी है, PD बटे DO यहाँ भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 की अगर हम तुलना करें तो ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा आपस में, समीकरण 1 व 2 से PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR। अब देखो पूरे त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में PQR में हमने क्या सिद्ध किया है, यहाँ पे E है यहाँ F, कि PE बटे में, यहाँ E लिख लेते हैं, PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR, जब ये भुजाएं समानुपातिक हों तो इसका मतलब ये रेखा समांतर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज PQR में EF समांतर है QR के, यहाँ क्या आएगा BPT के विलोम से। देखो BPT क्या है कि अगर त्रिभुज में कोई रेखा समांतर है एक भुजा की तो बाकी दोनों को समानुपात में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, और इसका विलोम क्या है कि अगर कोई रेखा इस तरह से है कि वो समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो इसका मतलब वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो इस तरह ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये इसके समांतर है।